I'm a little disturbed about is because digital, you know, social media hai, so people tend to go very negative on social media. I think jitna aap, you know, negative rahoge, aapke surroundings negative rahengi, aapki khud ki life negative rahegi. Jitna aap positivity mein rahoge, apne thoughts positive rakhoge, logo ki, you know, taraf positive rahoge, aapki khud ki life positive rahegi. So I hope, you know, people stay a little more positive in life and don't troll people, don't be so negative on, you know, on digital platforms. Just because, you know, logo ko lagta hai ki logo ko pata nahi hai ki hum kaun hai. So they take the advantage of being faceless on you know, on digital platforms. Exactly. So koi bhi kuch bhi likh raha hai, and I, you never know what's going to hurt, you know, the other person and to what extent. So I just hope people stay a little more positive this year. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड और मैं हूं आपका होस्ट अमरप्रीत। आज मैं जिन खूबसूरत महिला के साथ बैठा हूं, उनका नाम है संदीपा धार। आप इनको हीरोपंती और इसी लाइफ में जैसी फिल्म्स में देख चुके हैं। मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूं मैम, सेम टू यू। और एक तो एक कश्मीरन लड़की मेरे सामने बैठी है और आपकी एक खूबसूरती देख के पहले तो राज जाना चाहूँ कि ये कश्मीरी सेबों का कमाल है हाँ, या क्या, या बॉम्बे की हवा है? आई थिंक मेरे जीन्स हैं, मेरे कश्मीरी जीन्स हैं। थैंक यू, थैंक्स टू माई, यू नो, द जीन पूल कि मैं ऐसी दिखती हूँ। okay. और ऑफकोर्स मेकअप। मैं पंजाब से हूँ तो हमें क्या होता है ना, हमें अलग से पता चल जाता है, हमारे सामने कोई कश्मीरी आ जाए ना, हमें समझ में आता है, क्योंकि हम मतलब कभी या कोई सांवले या थोड़े से गोरे, इतने गोरे लोग और उनको कुछ भी बोल दो अगर वो खुश हो जाए तो उनके गाल ऐसे लाल हो जाते हैं। तो मतलब एक तो वहाँ के सेब का कमाल है और फिर बॉम्बे का पानी भी अलग कर देता है। सो मैम, अभी आपकी हमने फिल्म देखी थी हीरोपंती, अभी फिरकी नाम की एक फिल्म भी आने वाली है आपकी, एंड यू आर आल्सो डूइंग एन इंग्लिश प्ले आई गेस, उसके बारे में प्लीज हमें बताएं। सबसे पहले मेरी रिलीज जो है 2019 की इस कट करना पड़ेगा अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, 2019 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे पहली मेरी रिलीज होने वाली है वो है फिरकी, जो करण सिंह ग्रोवर, नील नितिन मुकेश, के मेनन एंड जैकी श्रॉफ के साथ है। सुपर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज इट्स अ फुल ऑन कमर्शियल मसाला फिल्म एंड इट्स द फर्स्ट टाइम मैं, यू नो, फुल ऑन मसाला हिंदी फिल्म कर रही हूँ, जिसमें, यू नो, सॉन्ग एंड डांस है, ग्लैमर है और आई एम प्लेइंग अ मॉडल और काफ़ी लेयर कैरेक्टर, थ्रिलर है तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बहुत मज़ा आया, यू नो, शूट करके। फिल्म लंदन में बेस्ड है तो वी शॉट अ लॉट ऑफ इट इन लंदन एंड या सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज आई एम आल्सो डूइंग इंटरनेशनल म्यूजिकल जो जिसका नाम वेस्ट साइड स्टोरी है, उसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ, पोर्टो रिकन गर्ल हूँ और मैं, यू नो, पूरे कास्ट में मैं पहली इंडियन हूँ बिकॉज द एंटायर कास्ट इज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन है, गैरी स्टुअर्ट उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने, यू नो, ब्रॉडवे में कैट्स करके एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल है उसके डायरेक्टर हैं और हमने ऑलमोस्ट 150 शो कर लिए हैं एंड इन आई थिंक 13 डिफरेंट कंट्रीज, तो मुझे बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है उसकी वजह से एंड वी गेट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस एंड इट्स आई थिंक थिएटर फॉर मी हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली मैम, एक एक्टर के लिए पहले तो हमें हमारा थिएटर मिला हुआ, आपको स्टेज मिला हुआ है और ऊपर से ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो मतलब और क्या इच्छा जो है वो पूरी ना हो। सो मैम, जो आपकी अपकमिंग फिल्म है फिर की, यू आर द लीड? यस, आई एम द लीड। चार चार मुस्टंडे अच्छे हट्टे कट्टे लड़के और आप, वाह। और मैं एक अकेली लड़की, अकेले सोलो, यू आर द सोलो गर्ल? यस आई एम। ऐसा कुछ है कि ये चार लोग पीछे पड़े फिर की लगा रहे हैं? तो आपको फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे कब आ रही है मैम? समर ऑफ 2019, तो अराउंड जून जुलाई आई थिंक। जून जुलाई में चार लड़के और एक लड़की, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, फिर की कुछ डालने वाले हैं। सो मैम, आप जैसे अभी कुछ अगर अपने बारे में बताएं, कश्मीर से हैं आप, सो कश्मीर से बॉम्बे तक का सफ़र ये कब शुरू हुआ आपका? 2010 में, बिकॉज मैंने पहली फिल्म अपनी राजश्री के साथ इसी लाइफ में की थी 2010 में और कोई प्लान नहीं था एक्टर बनने का, बाई चांस हो गया था एंड वेरी एक्सीडेंटल एक्टर हूँ मैं। आई ऑल्सो रियलाइज कि मुझे एक्टिंग पसंद आती है वाइल आई वॉज डूइंग द फिल्म। मेरे प्लान्स बहुत अलग थे, मैं बहुत कॉर्पोरेट, यू नो, वे से जाने वाली थी। इनफैक्ट मैं काम भी कर रही थी, यू नो, यू टी वी एंड नाउ डिज्नी एट दैट, यू नो, एट दैट टाइम एंड
आई गेस डेस्टिनी हैड इट्स ओन प्लान्स फॉर मी. एंड देन मैंने पहली फिल्म की, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई टू डू द म्यूजिकल. तो 3 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, और जब भी मैं वेकेशंस के लिए आती थी तो मुझे 20 दिन मिलते थे. तो उन 20 दिनों में मैंने दबंग 2 की, फिर जब अगली साल आई तो हीरोपंती की, बिकॉज दैट्स ऑल आई कुड डू. आई कुडंट डू अ प्रॉपर लीड रोल क्योंकि उसके लिए टाइम कमिटमेंट ज़्यादा था और वो मेरे पास था नहीं. एंड या सो इट्स बिन फन बिकॉज मैं इंडिया में भी काम करती हूँ और बाहर भी काम करती हूँ, और फिल्म्स भी करती हूँ, थिएटर भी करती हूँ, म्यूजिकल्स करती हूँ. तो मुझे आई गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. और अब मैं यू नो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी वेब सीरीज़ कर रही हूँ, विच इज़ विद बालाजी, जिसमें विवेक ओब्रॉय हैं, सुप्रिया पाठक हैं और मैं हूँ. और इट्स द बिगेस्ट शो फॉर बालाजी, ओल्ड बालाजी. एंड सो इट्स यू नो इट्स 13-episode वेब सीरीज, जिसमें अगेन मैं कम्प्लीटली डिफरेंट रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि अभी तक मैंने नहीं किया है. एंड ऑफकोर्स आई थिंक फॉर मी ऑल्सो यू नो 2019 में आई हैव दिस स्पेशल सॉन्ग दैट आई हैव डन फॉर सलमान खान फिल्म प्रोडक्शंस. इट्स अ सॉन्ग दैट हैज़ बीन कोरियोग्राफ बाय अहमद खान, और सतीश कौशिक ने फिल्म डायरेक्ट करी है. पंकज त्रिपाठी इसमें मेन लीड है. फिल्म का नाम कागज़ है और उसमें मेरा एक स्पेशल सॉन्ग है. तो जो मेरी डांसर की भड़ास है वो भी इस बार अभी तक अभी पूरी नहीं हुई है आपकी डांस. फिरकी में हो गई लकीली. फिरकी में एक सॉन्ग है जिसमें मैं डांस कर रही हूँ. बट या सो दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड यू नो प्रॉपर डांस नंबर. प्रॉपर डांस नंबर जिसकी मतलब बहुत इच्छा रहती है आज की डेट में. सो मैम आपने जैसे खुद ही बताया थिएटर भी कर चुके हैं, फिल्म्स में भी है, अब वेब सीरीज भी. सो मैम तीनों के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्योंकि चलो थिएटर तो थिएटर है, थिएटर तो वो जगह है कि जहाँ सारे आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट, हर कोई स्टेज पर रहना चाहता है. फिल्म्स का एक्सपीरियंस एंड स्पेशली वेब सीरीज दीज डेज, डिजिटल इज ऑल ओवर द प्लेस. करेक्ट. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स बिकॉज वी गेट टू एक्सपीरियंस सम एक्सट्रीमली अमेजिंग कॉन्टेंट. बिकॉज आई थिंक डिजिटल गिव्स यू द फ्रीडम टू डू फार मोर देन वॉट फिल्म्स वुड डू, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली सेंसरशिप एंड ऑल ऑफ दैट जैज. बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए एज एन एक्टर आई थिंक द प्रोसेस इज द सेम, चाहे मैं वो फिल्म्स कर रही हूँ या थिएटर कर रही हूँ. ऑफकोर्स बिकॉज थिएटर इज़ एन एक्टर्स मीडियम एंड फिल्म्स इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो वो फ़र्क पड़ जाता है. बट एज एन एक्टर आई थिंक मेरी प्रेपरेशन तो प्रीटी मच सिमिलर है. बट मज़ा आता है क्योंकि आई थिंक स्पेशली आई थिंक दिस साल मेरे को यू नो अलग अलग टाइप ऑफ रोल्स टाइप ऑफ, तो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मुझे नए रोल, नए जॉनर्स, यू नो नए स्पेसेस में यू नो डाइवर्ज करने का मौका मिलता है. कहीं पे मराठी कैरेक्टर है, कहीं पे यू नो लंडन बेस्ड कैरेक्टर है. तो इट्स इंटरेस्टिंग. मराठी कैरेक्टर का काटिल में, विच इज़ द बालाजी वन. ओके, उसमें आपका मराठी कैरेक्टर है. सो यू लर्न मराठी? यस. आसान? बहुत मुश्किल है. आई थिंक कोई भी लैंग्वेज पिकअप करना बहुत डिफिकल्ट है. मुझे फिरकी के लिए भी थोड़ा पोर्चुगीज पिकअप करना पड़ा था. तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं क्योंकि जब मैं 7 hours to go कर रही थी तो मुझे एक्शन पिकअप करना था, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. बट वो हो गया. बट आई थिंक इट्स फन बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिलता है विद ईच यू नो प्रोजेक्ट दैट यू डू. कुछ ना कुछ नया आपको कुछ सीखना पड़ता है. एवरीडे यू लर्न एवरीडे. सो काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रही हैं आप. और अभी कुछ भी जाते सब जाते जाते कुछ भी बताना चाहें हमारी ऑडियंस को, कुछ भी आप कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. आई होप यू हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड. स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव. यू नो आई थिंक व्हाट्स आल्सो हैपेंड व्हिच आई एम लिटिल डिस्टर्ब्ड अबाउट इज बिकॉज डिजिटल यू नो सोशल मीडिया है तो पीपल टेंड टू गो वेरी नेगेटिव ऑन सोशल मीडिया. आई थिंक जितना आप यू नो नेगेटिव रहोगे, आपके सराउंडिंग्स नेगेटिव रहेंगी और आपकी खुद की लाइफ नेगेटिव रहेगी. जितना आप पॉजिटिविटी में रहोगे, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखोगे, लोगों की यू नो तरफ पॉजिटिव रहोगे, आपकी खुद की लाइफ पॉजिटिव रहेगी. सो आई होप यू नो पीपल स्टिल मोर पॉजिटिव इन लाइफ एंड डोंट ट्रोल पीपल, डोंट बी सो नेगेटिव ऑन यू नो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. जस्ट बिकॉज यू नो लोगों को लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, so they take the advantage of being faceless on you know on digital platforms. Exactly. तो कोई भी कुछ भी लिख रहा है and I you never know what's going to hurt you know the other person and to what extent. So I just hope people stay a little more positive this year. Absolutely. So ma'am, जैसे मैम आपने ये इतनी अच्छी बात कही कि ये internet पे आजकल जो इधर बैठ के कंप्यूटर के पीछे बैठ के कुछ भी बोल रहे होते हैं ना, आई हैव सीन न्यू आर्टिस्ट ट्राइंग समथिंग, ठीक है,
आई थिंक हम मैं और आप प्रिविलेज्ड हैं कि हमें तो एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है. बहुत लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है. और अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ एप्पल खा के या मतलब यू नो मैम को कुछ ऐसे ही मौका मिल गया होगा, नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. जितनी खूबसूरत ये दिखती है उतनी खूबसूरत इनकी बातें हैं, ठीक है. सो और इतना वो मन साफ है इसीलिए मैम, ठीक है, चेहरा भी साफ है, ठीक है. सो वो वाली बात हो जाती है. थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस. सो मच यार, थैंक यू. एंड हम आपको मिलेंगे आपकी अगली फिल्म में. आप जब आएंगे बुलाइए, हम आ जाएंगे. सो गाइज, आप लोग देख रहे थे वायरल बॉलीवुड. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई विल सी यू अगेन. Nice, good, good. Go on, go on. Nice, hold. Eyes up, yeah. Pressure under the floor. Thank you.